जी मित्रों नमस्कार, अभिवादन। अंतर्राष्ट्रीय मंच से जबरदस्त खबरें आ रही हैं इस वक्त, और अभी अभी जो कुछ देर पहले खबर पहुंची है वो ये कि आतंकवाद, ग्लोबल आतंकवाद बल्कि कहा जाए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के दो बड़े चेहरे, एक हमास के जो चीफ थे मैं कह रहा हूँ, और ये कन्फर्म न्यूज है जो आपको बताई जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में धूम मचा रखी है इस खबर ने, और वो ये कि इस्माइल हानिया जो कि हमास के चीफ थे उनको एक स्ट्राइक के अंदर तेहरान में मार दिया गया है। इस्माइल हानिया पहुंचे हुए थे तेहरान उनके राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में जो कि कल था, और कल ही उनको इस स्ट्राइक में उड़ा दिया गया। मैं सरकास्टिकली कह रहा हूँ, बेसिकली उनको एसेसिनेट कर दिया गया है, उनकी हत्या कर दी गई है, मार दिया गया है। और ये आपको याद होगा उसी हमास के ये हेड हैं जिन्होंने 7 अक्टूबर की वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना की थी इसराइल में, जिसके लिए आज तक कभी हमास ने अपने कोई पछतावा नहीं किया है, अपनी गलती नहीं मानी है, और उसके बाद से लगातार इसराइल और हमास के बीच में एक वॉर चल रही है मिडिल ईस्ट में। और उसके अलावा मैं अगर आपको इसकी डिटेल देने की कोशिश करूँ, दूसरी जो घटना है, इससे पहले कि मैं तमाम डिटेल्स में आऊँ, दूसरी घटना वो है हिजबुल्ला के कमांडर फाउद शुक्र की, उनको भी कल ही उड़ा दिया गया है एक एयर स्ट्राइक में जो कि बेरूत में की गई, उस स्ट्राइक्स के बदले में जो लेबनान से लॉन्च की गई थी इसराइल पर, जिसमें से 12 बच्चे शनिवार के रोज मारे गए थे, उसके बदले में जो स्ट्राइक की गई उसमें हिजबुल्ला का ये सबसे सीनियर मोस्ट कमांडर माना जाता है, हिजबुल्ला के लीडर के सबसे नजदीकी माना जाता है, राइट हैंड मैन है उनका, जिसको अब फुआद शुक्र इनका नाम है, 5 मिलियन की इनके ऊपर बाउंटी है अमेरिकन ट्रेजरी की, इनको खत्म कर दिया गया है। मैं आपको अभी इनके वीडियोस भी आपको दिखाता हूं, और लेकिन उससे पहले हम बात करें सबसे पहले शायद सबसे बड़ा जो हमास का चेहरा माना जाता है, आतंकवाद का एक बड़ा चेहरा है वो इस्माइल हानिया को मार दिया गया है तेहरान में। आपको याद होगा कि हमास ने इनके बच्चे जो है वो गाजा में थे, जहां पर एक स्ट्राइक के दौरान जिस मकान में ये मौजूद थे उस मकान को गिरा दिया गया था, और वो इनके करीब 8-10 इनके परिवार के लोग थे जो मारे गए थे, जिनमें इनके बेटे भी शामिल थे और उनके बच्चे यानी कि नाती पोते सारे, वो सब मारे गए थे, 10 लोग एक साथ मारे गए थे। हमास के जो सुप्रीम कमांडर हैं इनको कहा जाता है इस्माइल हानिए, इनको इसराइल ने ईरान के अंदर घुसकर गिराया है। इस्माइल को मंगलवार को उस वक्त इनकी हत्या की गई है दोस्तों, जब वो ईरान में नए राष्ट्रपति की शपथ से लौटे थे, इजरायली एजेंट्स ने घर में घुसकर मारा। आप जरा सोचिए, मतलब ये ईरान से लौट कर जब ये आ गए हैं तब इनको घर में घुस के मारा गया है, उसमें उनके बॉडीगार्ड भी जो है उनको भी मार दिया गया है। इस्माइल को मारकर इसराइल ने पिछले 10 महीनों में जो जंग चल रही है इसमें बड़ी सफलता हासिल की है। ये वही जंग है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया हमास और इसराइल के बीच में, खासतौर पर ईरान को भी अब ये संकेत दे दिया गया है इस घटना के साथ में कि वो यानी कि इसराइल अपने दुश्मनों को कहीं भी मार सकता है। हमास को बताया जाता है कि ईरान का जबरदस्त समर्थन रहता है, और यह समर्थन जो है वो राजनीतिक ही नहीं बल्कि आर्थिक भी है। इस्माइल हानिया की अगर बात करें तो उसे 2018 में दोस्तों अमेरिका ने आतंकवादी घोषित किया था। इस्माइल हानिया का जन्म मिस्र के कब्जे वाले गाजा के एक रिफ्यूजी कैंप में हुआ था। उसने गाजा की ही इस्लामिक यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी, यहीं पर वो हमास से जुड़ा था। उसने 1987 में अरबी साहित्य में बैचलर की डिग्री ली थी यानी ग्रेजुएशन की थी, और फिर पूरी तरह से हमास के लिए काम करने लगा था। 1997 में उसे हमास ने लीडर बनाया। इस्माइल हानिया के नेतृत्व में हमास ने 2006 में चुनाव जीता था, आपको याद होगा गाजा पे जो चुनाव हुआ था, और फिर इस्माइल प्रधानमंत्री बन गया था। हालांकि राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने 14 जून 2007 को उन्हें हटा दिया, लेकिन राष्ट्रपति अब्बास के आदेश को खारिज करते हुए वो लगातार गाजा की सरकार चला रहा था। तो ये थे ये जनाब, उनको गाजा की सरकार ही कहा जाता था, यानी उसे ही गाजा की सरकार कहा जाता था, आप ये समझ लीजिए। वो 2006 से 2017 तक गाजा में सुप्रीम लीडर रहा, और फिर याहिया शिनवार को कमान मिल गई थी इसकी। हालांकि इसराइल की ताकत कम नहीं हुई, लेकिन उसे हमास के राजनीतिक ब्यूरो का चेयरमैन बना दिया गया था। इस्माइल की ताकत से कतई कम नहीं हुई थी, इस्माइल की ताकत में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमास का जो राजनीतिक ब्यूरो था उसका उसे चेयरमैन बना दिया गया, जो हमास में सबसे पावरफुल बॉडी मानी जाती है। अब इसराइल की इस्माइल से पुरानी दुश्मनी रही है,
क्योंकि वो काफी खूंखार नेता था। इजराइल ने 1989 में उसे 3 साल के लिए बंधक भी बना लिया था। इसके बाद 1992 में उसे इजराइल और लेबनान के बीच में नो मैंस लैंड पर छोड़ा गया था। 1 साल बाद वो गाजा लौट आया था। बीते कई सालों से वो कतर में रह रहा था। अब आप देखिए कि कैसे इनका पूरे पूरे परिवार को कैसे चुन चुन के खत्म किया गया है। इसराइल अपने दुश्मनों को चुनकर मारने के लिए जाना जाता रहा है। आपको कभी भी नहीं भूलना चाहिए वो घटना जो म्यूनिख ओलंपिक के बाद हुई थी, जहां पे इसराइल की टीम को मारा गया था, और फिर कैसे उससे जुड़े हुए एक एक आदमी को पूरी दुनिया में जो फैले हुए थे उनको पूरी दुनिया में ढूंढ ढूंढ कर एक एक आदमी को मारा गया था। तो इसराइल अपने दुश्मनों को उस तरह से छोड़ता नहीं है। बाई गॉड, यू नो, मॉडल बनाना चाहिए उस आदमी इस कंट्री को, यू नो, दिस इज हाउ वन शुड बी। इसराइल ने बीते साल अक्टूबर से लेकर अब तक इस्माइल हानिया के परिवार के 14 लोगों को मार गिराया है। इस्माइल के घर पर एयर स्ट्राइक करके इसराइल ने इनके लोगों को मारा था, उसमें उसके भाई भतीजे भी शामिल थे। इस तरह पूरे परिवार को खत्म करते हुए अब इसराइल ने उसे भी मार गिराया है। बता दें कि नवंबर 2013 में उनकी पोती का इसराइली एयर स्ट्राइक में कत्ल किया गया था। इसके अलावा 10 अप्रैल को एक हमला हुआ था जिसमें उसके 3 बेटों और 3 पोते-पोतियों को इसराइल ने मारा था। तो ये है। इसके अलावा आप ये देखिए जो दूसरे सज्जन मारे गए हैं, सज्जन मैं सरकास्टिक के लिए कह रहा हूं, वो है फवाद शुक्र। फवाद शुक्र को बेरूत में एक एयर स्ट्राइक करके मारा गया है, जो हिजबुल्ला का अड्डा था वहां पर। हिजबुल्ला ने इस बीच में शनिवार को एक हमला किया था रॉकेट्स का, जिसमें 12 बच्चे मारे गए थे इसराइल में। तो अब जरा ये फवाद शुक्र की भी कहानी आप सुन लें। ये जो इसराइल पर जारी हमले रहे हैं, इसराइल ने हिजबुल्ला के चीफ कमांडर फवाद शुक्र को मंगलवार को बेरूत में एक हवाई हमला करके मारा है। शुक्र जो है ये हिजबुल्ला की स्थापना के समय से ही इसका प्रमुख बना रहा है। उसे हाल ही में इसराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स में हमले का बदला लेते हुए निशाना बनाया गया था। उस हमले में 12 बच्चों की मौत हुई थी। ओके, अब आप देखें, आपको ये भी बताना चाहेंगे कि शुक्रवार को अल हज मोहसिन के नाम से जाना जाता है इसी आदमी को फवाद शुक्र को। शुक्र जो है वो हिजबुल्ला के संचालन में गहराई से जुड़ा हुआ है। इसकी रणनीतियों में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इजरायली सेना के द्वारा बेरूत में किया गया ये हमला हिजबुल्ला के गढ़ हरेत हरेक में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि जो शुक्र है ये शूरा काउंसिल के मुख्यालय में उस वक्त तैनात था जब ये हमला हुआ था। हिजबुल्ला के सूत्रों ने शुक्र को नेतृत्व ढांचे का एक अभिन्न अंग बताया है। 2008 में इमाद मुगनी की मौत के बाद में शुक्र की भूमिका बढ़ती चली गई। मुगनी को हिजबुल्ला का सैन्य मास्टरमाइंड कहा जाता है, सैनिक मास्टरमाइंड कह लीजिए आप उसको। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1983 में बेरूत में अमेरिकी मरीन बैरकों पर बमबारी में उसका जुड़ाव माना था। उसको माना गया था कि वो उसमें शामिल था। उसके सिर पर $50 लाख का इनाम रखा गया था। उस बमबारी में 241 अमेरिकी लोगों की मौत हुई थी। तो ये रहे फवाद शुक्र साहब। आगे इनकी कहानी पर अगर हम बात करें सीरिया में जो हमले हुए हैं उनमें शुक्र की भी संलिप्तता जो है वो मानी जाती है। हिजबुल्ला ने सीरियाई गृह युद्ध के शुरुआती के दिनों में राष्ट्रपति बशर अल असद का समर्थन किया था। इसके बाद अमेरिकी सरकार ने उसे जस्टिस की कैटेगरी में लाने के लिए, न्याय की कैटेगरी में लाने के लिए अपने प्रयासों को तेज किया था। हिजबुल्ला ने हाल ही में गोलान हाइट्स के हमले में किसी भी तरह की अपनी एसोसिएशन से इनकार किया था। हिजबुल्ला ने इन दावों को उसने कहा था इसराइल के दावे जो है वो बेमानी है, जबकि इसराइल ने कहा था कि नहीं ये शामिल है उनमें। तो मित्रों ये रही वो 2 घटनाएं। अब मैं आपको दिखाता हूं कुछ चीजें। ये देखें एक हल्की सी डिटेल जो इसराइली इंटेलिजेंस की है इसी फवाद शुक्र के बारे में। In a targeted strike in Beirut, Lebanon, the IDF eliminated the man behind the Majd al-Shams massacre, Fuad Shukr. Shukr was a senior military commander in Hezbollah and the head of the strategic unit, and in the past 30 years, he has been responsible for masterminding, planning, and executing every Hezbollah attack. He has a $5 million bounty issued by the U.S. State Department on him, and he has the blood of civilians from all over the world on his hands.
He was involved in numerous terrorist attacks, such as the U.S. Marine Corps barracks bombing that killed 241 American troops. His elimination brings us one step closer to restoring stability in this region and eliminating terrorists who threaten the lives of innocent civilians. We will take every step necessary to keep our civilians safe on all fronts. जी ये थी इसराइल की एक छोटी सी झलक जो इसराइल ने इनके फवाद चुकरबर्ग के कामों के बारे में आपको दी। दूसरी तरफ मैं आपको मकान दिखा दूं, वो मकान जहां पर ये जनाब मौजूद थे फवाद चुकर साहब, और उस मकान को एयर स्ट्राइक में गिराया गया। जरा देखिए वो एयर स्ट्राइक के बाद का मसला। जी ये बिस्न हो गया मामला इनका, तो ये गए है ना। तो ये था वो बिल्डिंग का, अगर आप नहीं देखे दोबारा से है ना, उड़ गया मकान ही उड़ गया। तो ये मित्रों रही जो जो मुझे आपको डिटेल देनी थी, ये बिल्कुल आज की नई अपडेट है। मैं आपको अभी कुछ एक और वीडियो और बना रहा हूँ आपके लिए, जिसको मैं आपसे एक घंटे डेढ़ घंटे में आपको मैं दूंगा, लेकिन तब तक एंजॉय कीजिए इस नई घटना को। नई घटना ये यकीन रहे कि जब मैं घटना दिखा रहा हूँ तो मैं उसको इसलिए इंपॉर्टेंट मान रहा हूँ क्योंकि माना जा सकता है कि अब यहां से हमास और इसराइल के बीच चल रही जंग में हो सकता है कि कमी आए, हो सकता है सीज फायर की बात आए, क्योंकि अब हमास का लीडर मारा जा चुका है और एक सीनियर कमांडर हिजबुल्ला का जो कि लेबनान से लगातार फायरिंग कर रहा था इसराइल के ऊपर, वो भी खत्म कर दिया गया है। तो एक तरफ ये दोनों के दोनों यानी कि हमास और हिजबुल्ला बैकफुट पर आएंगे, तो दूसरी तरफ स्पेस मिलेगा इसराइल के पास भी इस बात का कि वो सीज फायर करके अपनी जमीनी कार्रवाई पूरी कर सके, और दूसरी तरफ शायद इसके साथ ही इसराइल पर जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ रहा है वो भी कम होगा। अमेरिकी चुनाव में इसका फर्क उस तरह से आएगा कि जो अब तक अमेरिकी मदद यहाँ आती रही है अब उसकी जरूरत नहीं रह जाएगी, तो शायद डेमोक्रेट्स भी थोड़ी सी चैन की सांस लेंगे। उन पर जो लोकल राजनीतिक दबाव पड़ रहा था लगातार वो भी कम हो जाएगा, ऐसा माना जा सकता है। तो मित्रों देखते हैं कि ये सारी घटनाओं का क्रम जो है आगे किस तरह से बढ़ता है, लेकिन आज ग्लोबल टेररिज्म के दो बड़े चेहरे एक साथ एलिमिनेट होने की ये खबर जो है वो आम दुनिया के लिए सुखदायक मानी जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। हम मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में, धन्यवाद आपका।